गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट हम व्हाट्सएप पर चैट किस तरीके से कर सकते हैं बिना नंबर सेव किए हुए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को हमें मिला है कि हम किसी को मैसेज करना चाहते हैं पर हम उस नंबर को सेव करना अपने फ़ोन में नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, बस आपको जाना है प्ले स्टोर में। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो एप्लीकेशन का नाम है वो डायरेक्ट चैट, ठीक है। जैसे ही आप डायरेक्ट चैट नाम से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ओपन कर रखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है पहला नंबर, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे कि आखिर आप चैट किस पर करना चाहते हैं, टेलीग्राम पर करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसका आपको यहाँ पर नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आप जो भी मैसेज करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि हाय हेलो, ठीक है। उसके बाद में आप सेंड मैसेज पर सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ यहाँ पर चैट आ जाएगी, ठीक है, और आप बहुत ही आराम से यहाँ पर हाय हेलो कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर चैट कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको और भी इसमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि हम अपने उस नंबर से यहां पर मैसेज करना नहीं चाहते हैं तो आप एक ही व्हाट्सएप में आप दो व्हाट्सएप चला सकते हैं, यानी कि एक ही व्हाट्सएप में आप दो नंबरों से व्हाट्सएप चला सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो वो किस तरीके से चलाएंगे, इसके लिए आपको अपनी व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट पर सिंपली क्लिक करना है, सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स में जैसे ही आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये QR कोड के बराबर में ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको आइकन का बराबर में देखने को मिल रहा है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐड अकाउंट, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपको अपना यहाँ पर दूसरे मोबाइल नंबर से आपको इसमें रजिस्टर कर लेना है, जैसे कि एग्री एंड कंटिन्यू पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डाल दूंगा अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं इसमें रजिस्टर कर लूँगा, ठीक है। तो मेरे इसमें दो नंबर से यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा, मैं हालांकि यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर कर लेते हैं, करने के बाद आप इस आइकन पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको दो आईडी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपको जिस भी नंबर से यहाँ पर व्हाट्सएप चलाना है आप उसी नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसी आईडी को यहाँ पर आप ओपन कर लेंगे और उसी आईडी से आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। और अगली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आप एक ही मोबाइल में अपने नंबर के थ्रू और इसी के साथ में बिजनेस जो व्हाट्सएप है वो आप एक ही व्हाट्सएप में किस तरीके से चला सकते हैं। आप चाहेंगे तो आपको वहाँ पर नंबर शो होगा, वरना आपका नंबर शो नहीं होगा, ठीक है। बिजनेस वाला यही होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।